नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज आप देख रहे हैं, हमने आज तक का वेब पेज खोल के रखा है। काफ़ी राहत देने वाली खबर है लोन रिस्ट्रक्चरिंग और मॉरिटोरियम को लेके। यहाँ पर जैसे आप टैगलाइन देख रहे हैं, लिखा है लोन रिस्ट्रक्चरिंग चेक पेमेंट पर रिजर्व बैंक के ये दो कदम आपको बड़ी राहत देने वाले हैं। नीचे क्या कहते हैं कि भाई हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने गुरुवार को जो मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए दो महत्वपूर्ण ऐलान करे हैं। ये दो ऐलान कर्जों को रिस्ट्रक्चरिंग यानी उन्हें लौटाने के लिए रीपेमेंट पर चेक पेमेंट से और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। नीचे क्या उन्होंने पॉइंट देते हैं, रिजर्व बैंक गवर्नर ने गुरुवार को किए थे कई ऐलान। कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़ा ऐलान लोगों को राहत देगा, चेक पेमेंट में सुरक्षा बढ़ाने का भी फायदा आम आदमी को होगा। तो यानी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रोसेस होता है। यानी रिस्ट्रक्चरिंग अगर मॉरिटोरियम नहीं मिलता है तो रिस्ट्रक्चरिंग पक्का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। आगे कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा को पेश करते हुए दो महत्वपूर्ण ऐलान करें हैं, जिससे लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, राहत मिलेगी। इसमें क्या है, क्या है कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग, इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई उन लोगों को जिनको मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है किसी को, तो उसको ये ऑप्शन मिलेगा, वो अपने सुविधा अनुसार उन लोगों की ईएमआई जो है वो पे कर सकते हैं, जैसे स्टेप अप स्टेप डाउन जो पेमेंट होते हैं। इसके अलावा बोलते हैं, रिजर्व बैंक ने कोरोना से प्रभावित एयरलाइंस, होटल, स्टील, सीमेंट कंपनी के लिए भी कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा देने का ऐलान किया है। यहाँ पे है 2 साल के लिए लाभ मिलेगा, यानी रिस्ट्रक्चरिंग में आपको इसमें जो पूरा टाइम है वो 2 साल तक के लिए मिल सकता है, काफ़ी अच्छी बात है। आगे कहते हैं कि भाई मॉरिटोरियम की सुविधा आदि शामिल होगी, या ग्राहक आमदनी के आंकलन के बाद तय की जाएगी, यह सुविधा अधिकतम 2 साल के लिए होगी। तो गाइस, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, पर यह देने के लिए आपकी जो पूरी रीपेमेंट हिस्ट्री है, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको देख के आपको मॉरिटोरियम भी दिया जा सकता है। आगे कहा जाता है, बैंकों ने स्कीम में ग्राहक को आवेदन के बाद 90 भीतर के अंदर लागू होगा, यानी 3 मंथ्स के अंदर लागू होगा, और हालांकि इसके पहले भी लागू किया जा सकता है, यानी ये मैक्सिमम दिन होता है इसमें, यानी 90 डेज में आपको सकता है 2 से 3 दिन में भी काम हो जाए। जिन कारोबारों ने मार्च मॉरिटोरियम की सुविधा घोषणा से पहले भुगतान में डिफॉल्ट किया था, उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं मिलेगा। यानी जिनका पहले से डिफॉल्ट चल रहा है, जिन्होंने मार्च के पहले भी मॉरिटोरियम के पहले भी जो रिपेमेंट शेड्यूल प्रॉपर नहीं था, उनको ये कोई भी सुविधा मिलने वाली नहीं है। तो गाइज, आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि ये स्पेशल चैनल है आपका लोन मंत्री, यहाँ आपको होने आने वाली खबर से पहले बता दिया जाता है कि आपको मॉरिटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग दोनों में एक ऑप्शन मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी फर्क बिल्कुल भी टेंशन मत ले। तो गाइज, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो, जिनकी उनकी टेंशन है वो दूर होगी। नेक्स्ट अपडेट में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।